दिखाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे। सफेद झूठ। देखिए, आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है और झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्यों करूँगा ऐसा? नताशा हमारे घर की अकेली लड़की है, लेकिन अब उसे सीरियस होना पड़ेगा वरना ये रिश्ता टूट भी सकता है। जिंदगी में एक गलत कदम पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है, और यू नो, अच्छा हुआ मैंने ये गलत कदम नहीं उठाया। मुझे तुम्हारी हकीकत का पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम जैसा बेवजन आदमी बेवजन ही रहता। आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। गुनगाएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे। हेलो। हेलो, क्या हाल जी? आप बिजी तो नहीं हो? आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। नहीं नहीं, पूछो। शेरी, यू डू रियलाइज के हम अभी अभी मिले हैं और हम एक रिश्ते में बनने वाले हैं, बट देयर इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे लिए मेरी बहन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं वैसे ही बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। आई डोंट थिंक सो आई विल एवर बी सो ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट एनीबडी। दैट्स वेरी नेचुरल। आपने इसे कुछ बोला है? कोई बात हुई है? वो अपसेट है शायद। मैंने नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो अपसेट है और आपने उसे कुछ कहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। रियली? अच्छा, मेरी बात कराओ उसे। गिव मी अ सेक। शेरी तुमसे बात करना चाह रहा है। हेलो रमजान, क्या हो गया यार? क्या कह दिया मैंने ऐसा तुम्हें? कुछ भी नहीं। देखो रमजान, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ। तुम सिर्फ एलिजा की छोटी बहन नहीं, मेरी भी छोटी बहन है ना। आई नो कि तुम एलिजा के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। और सुनो, मेरे लिए एलिजा बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं नहीं चाहता वो अपसेट हो। इसलिए प्लीज ठीक हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है शेरी भाई, वो आई थिंक मैं ही बहुत ज्यादा अनोइंग हो रही थी इसलिए आपने। एक सेकंड, मैं समझ गया। तुम्हें वो बात बुरी लगी होगी जब मैंने कहा थ्री इज अ क्राउड। यार एक्चुअली मैं कोई कूल सी बात करना चाह रहा था और कूल के चक्कर में स्टूपिड बात कर दी मैंने। आई एम सॉरी। अच्छा टेल मी, हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू? ऐसा कुछ भी नहीं कहा शेरी भाई मैंने, मैंने तो अलीजा को कुछ बोला भी नहीं है। अच्छा सुनो, अब अगर तुम्हें कोई मसला होगा ना तो तुमने मुझे डायरेक्टली कहना है, राइट? अगर तुम अलीजा के लिए इम्पोर्टेंट हो तो फिर मेरे लिए भी हो। और सुनो, यू वर राइट, आई वॉज रॉन्ग, थ्री इज अ पार्टी। और क्योंकि तुम इस पार्टी का तीसरा हिस्सा हो तो अगला प्लान भी तुमने ही बनाना है, ऑलराइट? मुझे बताना तुमने क्या करना है। वी कैन गो फॉर लंच, वी कैन गो फॉर डिनर, वी कैन गो टू द बीच, आई हैव अ हार्ट, यॉट भी है, सो यू नो देयर इज प्लेंटी वी कैन डू। तुमने बताना है मुझे, ऑलराइट? थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। जी चलो ठीक है, तुम टाइम स्पेंड करो रमजा के साथ, नहीं बाद में बात करते। ओके थैंक्स, बाय। देखा, इतना भी बुरा नहीं था। तुम मुतमईन हो? हाँ, सिंपल सा आदमी है, अपनी गलती मान ली। व्हाट मोर डू आई वांट? तुम खुश हो अब? तुम्हारे लिए खुश हो, तुम बहुत अच्छे हो लीसा। वो भी बहुत गर्लफ्रेंड हो। और सब बातें आपसे ही करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें मर्दों से नहीं की जा सकती, क्या करे, यही मुसीबत है। मैं समझा नहीं। वो असल में मैं नताशा बेटी से कुछ बात करना चाह रही थी, अगर आप बात करा दें तो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये अलीजे की अम्मी तुमसे बात करना चाह रही है। हेलो हेलो बेटा, कैसे हो? उस दिन के बाद तो आपसे। हेलो
हेलो हटती है, स्विच ऑफ भी करती है। जब मैंने कह दिया मैंने बात नहीं करनी तो नहीं करनी। तुम चाहते क्या हो? फिर नीड यू। ओह रियली डैड, आई थॉट आई एम यूजलेस। प्लीज मुझे मेरी मर्जी के अलावा फोन मत देना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या तरीका है नताशा? मेरा मतलब है कि बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, और जबकि तुम्हारे भाई के ससुराल वाले हो। नताशा हमें तुम्हारी जरूरत है, ये वक्त रिश्ते निभाने का है बेटा। मेरा मतलब है शहरी को पता चलेगा तो क्या होगा? देखो घर वालों की खुशी में हम सब की खुशी होती है। तुम्हें ख्याल ना होता तो तुम भाई की मंगनी पर ना पहुंचती। मुझे तो मामा का ख्याल आ गया था, वरना वो मर गए हैं और जो लोग जिंदा हैं उनका हमें ज्यादा ख्याल करना चाहिए। वाओ ग्रेट थॉट पापा। देखो तुमने उनको डिनर पर बुलाना है, ये सारे काम तुम्हारे हैं, मैं और शहरी हैंडल नहीं कर सकते, ये घर तुम्हारा है। कब तक? जब तक आप सबके काम ना खत्म हो जाए तब तक। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम गुड एंड यू? मैं भी ठीक हूँ। तुमने कॉल नहीं किया आज मुझे? क्यों, इंतजार कर रही थी तुम? नहीं, हाँ वो तुम किसी बात से नाराज तो नहीं हो? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता इन चीजों के बारे में सोचने के लिए। आज सारा दिन बहुत बिजी रहा, अभी भी कॉल्स आ रही हैं। आई विल कॉल यू बैक, ओके? कनाडा के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करना। सो इस फर की वजह से तुम्हारी कोई बात हुई शहरी से? अपनी वजह से जी, कल हुई थी। कितनी हैसियत नहीं उसकी वजह से मुल छोड़कर। और आज? नहीं आज नहीं हुई, बिजी होगा कहीं। और वहाँ आप ही मेरी कॉल्स मॉनिटर कर रही हैं, क्या हो गया? तुम्हें कोई बात सता रही है लीजे? सही तो कह रही है लीजे, आप क्यों इसकी रोज बिलावजह में क्लास लेती हैं? तुम तो चुप ही रहो बेटा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ना मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती। तुम क्या समझती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता? अच्छा खासा खुशगवार मूड था शहरी का, तुम्हारे बचपने की वजह से सब खराब हो गया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? देखो नया नया रिश्ता है, अभी वो लोग हमें समझ रहे हैं, हम उनको जान रहे हैं। ऐसे वक्त में ऐसा खिंचाव मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस भी सर दें, कितना डांटेंगी आप? वैसे भी ये बात खत्म हो गई है ना लीजे? मुझे तो ये फिक्र पड़ गई है कहीं ये बनी बनाई बात बिगड़ ही ना जाए। क्या सच में शहरी भाई खफा हो गए हैं लीजे? अगर हो भी गया तो इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब ये चार दिन की बात ही उम्र भर का साथ है। हाँ है, लेकिन शहरी बहुत नेक और शरीफ और नफ्स लड़का है। तो मैंने कब इस बात से डिसएग्री की है?
हमें क्या बातें हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता, आपका फोन किधर है? पत्नी इनकी बातों में लके में कहीं रख के भूल गई हूँ, याद ही नहीं आ रहा। चले कोई ऐसी बात नहीं, हमदानी साहब पे फोन आया था। अच्छा, वो सैटरडे को डिनर पे बुला रहे और वो तो ये भी कह रहे थे कि तारीख भी तय कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये शगुफ्ता और नताशा ही तय करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक शहरी मुझसे खुद बात नहीं करेगा। क्या बस? मैं देखती हूँ उसे, नाक में दम कर रखा है। मैंने शहरी को टेक्स्ट कर दिया। क्या क्या टेक्स्ट कर दिया तुमने? यार क्यों मनमानी करती हो लीजे? अभी तो तुम मुझे दौड़ा रही हो लीजे, दौड़ा लो। मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी अकड़। What? I'm being difficult. वो बात नहीं थी शहरी, एटीट्यूड था। मुझे रेजो की समझ है। यार मैं बिजी था। नहीं। अच्छा तो फिर क्या था? नाराज थे। आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी बहन को आपके सामने सपोर्ट किया? You got upset over that. अच्छा, मैं अगर इतना ही जान गई हूँ तो ये भी जान लो कि जब तुम मुझे इस तरह मिसअंडरस्टैंड करती हो ना तो मुझे दुख पहुंचता। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ लेकिन तुम अभी तक इस तरफ नहीं आई जहाँ मैं खड़ा हूँ। I'm so sorry. मैं जान के कभी भी किसी को हर्ट नहीं करती, कोई भी हो। अच्छा, अभी भी मैं कोई हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर आ रही हैं आप कल अपने घर? Assalamualaikum. आइए प्लीज प्लीज। और आंटी कैसी हैं आप? सब ठीक है? देखो क्या बनता है। सो प्लान फाइनल है ना हमारा? कौन सा प्लान? इन्होंने बताया नहीं आपको? वो बोट पे लेके जा रहा हूँ सबको मैं। हम सब यंगस्टर्स। Yes, and it'll be a lot of fun this Saturday. भाई जब हम इनवाइटेड ही नहीं है तो क्यों बता रहे हो? वैसे शेरी बहुत अच्छा होस्ट। अच्छा, वाओ। ये कौन सा प्लान है? कौन सा प्लान है? सैटरडे को बोट पे लेके जा रहा हूँ सबको। You mean this coming Saturday? Yeah, any problem? Well, हमें जीशान ने बुलाया है अपने फार्म हाउस पे, हमने रात रहना भी है उधर। चलो उसे एक्सक्यूज कर लूंगा मैं। कैसे? How? I'll handle it, relax. प्लान बनाने से पहले पूछ लिया कर। तकदीर कैसे नसीब जोड़ती है? अब हम दोस्त हैं, रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। बस यही है कि बच्चे खुश रहे। अरे क्यों खुश नहीं रहेंगे? बस ये मकान घर बन जाए, यही ख्वाहिश है मेरी। जरूर। शेरी तुम सब छोड़ो, तुम जाके अपना रूफ गार्डन तो सबको दिखाओ ना। व्हाई नॉट, बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं घर का पूरा टूर करा देता हूँ। यस यस, व्हाई नॉट। अच्छा श्योर, कम गाइस, लेट मी शो यू अराउंड। There's lots to see. There's a swimming pool, a cinema, a basement. Oh, come on. Jai na aap log, please.
बल्कि आंटी अंकल आप भी आइए ना, आपको भी दिखाता हूँ घर। बेटा तुम लोग ही देख लो। नहीं नहीं, आई इंसिस्ट, आइए ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये तो चलता रहता है, आपको पता है। Here we are. Very nice. Thank you. ये जी, ये भी यहाँ की रेजिडेंट है। ये डैड का फेवरेट स्पॉट है पूरे घर में। Really? कैसा लगा आपको? Nice. बहुत खूबसूरत है। Very nice. अरे यहाँ से व्यू तो चेक करें, that's fantastic. आ जाओ। जरा लो, जगह दिखानी थी तुम्हें। ये देखो। कोई बात नहीं, दो मिनट बात तो कर सकते हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों आए। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है ना। वो जाने दो। कैसा लगा हमारा घर? हमारा? मेरा और तुम्हारा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने। ये अमीजा किधर है? मैं देख के आती हूँ। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था यहाँ फूल ही फूल होंगे और सब तुम्हारी चॉइस के। अब सारे काम तुम करोगी और मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा। हमारा रिश्ता कुछ ऐसा होगा कि लीजे, लीजे, कहाँ हो तुम यार? इतने प्यारे प्लांट्स हैं वहाँ पर, व्यू तो इतना अच्छा कहीं देखा ही नहीं। अच्छा तुमने बताया नहीं क्या करना है इस कॉर्नर का? मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे यहाँ आने से पहले सब कुछ सेट हो जाए। ये आप मुझसे पूछ रही? हाँ, बल्कि ऐसा करो तुम ही बता दो, मैं नहीं चाहता तुम नाराज हो जाओ। ऐसी लगती हूँ मैं आपको? मेरा फोन कहाँ है? आई थिंक मैं लेके आती। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ले आती। मैं आऊँ साथ? नहीं, आई विल बी फाइन। ये कैसे लोग हैं, पूरे के पूरे ऊपर चले गए जैसे कभी बड़ा घर ही ना देखा हो। और वो आंटी है, तुम बगैर वजह के हंसती रहती है। उनका बस चले तो फ्लोर कुशन बन जाए और हमारा शेरी गाइड बना है। खुशामदियों की खुशामद। What a sight. अलीज़े, तुम कब आई हो? घर नहीं देखा? हमने बड़े घर तो बहुत देखे हैं, लेकिन इनमें रहने वालों को आज देख रहे हैं। हमें आपकी बिला वजह की अटेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन घर आए मेहमान की इज्जत करना मेजबान का फर्ज होता है। शायद ये बात आप नहीं जानते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नताशा, तुम डिनर रखो। अंकल हम डिनर नहीं करेंगे। माँ बाप आए तो उनको बाहर भेज दीजिए। अलीज़ा कहाँ है? बाहर है। बाहर? Yes. तो फोन लेने आई थी अपना? हाँ, she's gone. अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। Yes. ये बात बिगड़नी नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या किया है? अलीज़ा, what happened?
प्लीज मुझे भी बात नहीं करनी। दरवाजा तो खोलो प्लीज। ए यार मुझे बताओ तो हुआ क्या है। लीजे कहाँ गई? तो वो बाहर है। क्या हुआ, बाहर क्यों चली गई? वो मैं यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ ओके, हम भी आ रहे हैं। यस यस। What are you doing? Why are you doing this? यार बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो। लीजे क्या हो रहा है यहाँ पे? लीजे बाबा अंदर आए। बेटा पापा बाद में बात करते हैं, प्लीज अंदर आ जाओ। देखिए इस तरह ना जाए अच्छा नहीं लगता, प्लीज अंदर आए बैठ के बात। तुम लोग अंदर बैठो, चलिए हम लोग फिर बात करेंगे। सुनो हमारी शादी होने वाली है यार। अब हमारे बीच में सिर्फ लड़ाई होगी और कुछ नहीं। अगर आप एक मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो देखिएगा होता क्या है। बिकॉज़ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? हाँ। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तरह उसके जाके कदमों में बैठ जाऊँ? हाँ। Over my dead body, Sherry. गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे। Dad? ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो सबको लेके चली गई? शेरी बेटा मैं और नताशा बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कुछ कहा है तुमने उसे? अब तुम मेरे पीछे ना पड़ जाना, ओके? जहां तुम्हें मैडम परफेक्ट का साथ देना होता है तो मुझे घूरना शुरू हो जाते हो यार। क्या बात हुई है, क्या कहा है तुमने उसे? मैं अपने डैड के साथ मजाक कर रही थी, ओके? एंड इट्स अलाउड। मजाक? कैसा मजाक, क्या बात हो रही थी डैड बताएं मुझे। मैं क्या मजाक करूंगा, हमारे तो बात हो रही थी। क्या बात, कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर? नताशा did you say something mean to her? Yes, I did. क्या कर लोगे? ये चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो शेरी, कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स लड़की के पीछे तुम मुझे धमकाओगे? यू नो वॉट, धमकाओ धमकाओ डैड। नो नो नो, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप इसे, ये उसकी प्यार में पागल और दीवाना हो गया है। गलतियां वो करे और सुने मैं और आप। बात को घुमाओ मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, की होगी तुमने कोई बकवास। नताशा देखो गलती तुम्हारी है, जो तुम उसके बारे में कह रही थी ना, अगर मेरे बारे में कहती ना तो मैं भी चला जाता। क्या बात, क्या कहा है तुमने उसे? शेरी रिलैक्स, बात हो सकती है। इससे कोई बात नहीं हो सकती। तुम जाओ उसके कदमों में जाके बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। Do you understand? Don't you have any shame? Have you no shame? घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसा करते हैं क्या? Excuse me, Dad, आप बताएं मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी जो पहले नहीं हुई? वो को शाम दी है भाई, क्या मैं अपने डैड के साथ अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर सकती शेरी? वो क्यों खड़ी थी कान लगा के हमारी बातें सुनने के लिए? You know what? I'm done. I am done. ये रोज रोकी चिक चिक से। बेटा बात खत्म कर, अलीजे से सॉरी बोलो और भाई को भी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? वो क्यों खड़ी थी हमारी बातें सुनने के लिए भाई? यू नो डैट इन जैसे लोगों की आदत होती है छुप छुप के बातें सुनना। इन जैसों की क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? यू नो व्हाट, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। यस यू आर एंड आई एम टॉकिंग टू यू। शेरी क्या है? शेरी प्लीज इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम अलीजे से बात करो, वो हमारे गेस्ट है यार, क्यों खाम खा ये सारा चक्कर? माँ मुझे समझ नहीं आ रही आपको क्या परेशानी है। क्या परेशानी है, अजीब बात कर रही हो तुम। हम उनके घर में खड़े हैं, तारीख तय करने, हमारा पहला डिनर है, सारे मामला तय पा रहे थे, आखिर हुआ क्या? मुझे समझ नहीं आ रही, अवॉइड नहीं हो सकता था। माँ मुझे वहाँ शादी नहीं करनी, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। नताशा हम सबको अपने सामने एक बोना समझती है,
वो आपको एक डोरमैट समझती है। मैंने सब कुछ खुद अपनी कानों से सुना है। वो अंकल को ये सब बता रही थी, मुझे तो अंकल पे हैरानी है, वो ये सब चुपचाप सुन रहे थे। ये सब मेरे सामने हुआ है आज। इमेजिन करिए और कितने एपिसोड उनके घर में हमारी इज्जत अफसाई क्यों हुए होंगे। और क्यों ना हो, उन जैसों को तो ये हक है, और ये हक अब उन्हें खुद देते हैं ये सब बर्दाश्त करके। के मार लो जूते, हम तो खुद इतने डेस्परेट हैं उनकी क्लास का हिस्सा बनने के लिए कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे अंदाजा तो था कि नताशा इस रिश्ते से राजी नहीं है। राजी? माँ वो तो डंके की चोट पे आपकी तोहीन कर रही थी और आप अभी तक रिश्ते को रो रही हैं? माँ, आई डोंट गेट यू गाइस। आप लोग इस उम्र में आके इंसान की बेसिक ह्यूमन राइट्स क्यों भूल जाते हैं? चाहे इंसान कैसा भी हो, छोटा बड़ा गरीब अमीर, सबको इज्जत का हक है। शगुफ्ता, तुम कमरे में जाओ, जाके रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं हूँ बच्चों के साथ, जाओ। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। आप कुछ इंसान मामा, मेरा इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता अपनी माँ के साथ था। उनको कैसे इतना इंसल्ट कर सकती है? वो इतने प्यार से, इतने शौक से इतनी चीजें लेकर गई इसलिए कि उनका मजाक उड़ाया जाए। इस महल में मेरी माँ की इज्जत नहीं है, वो महल मिट्टी है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम ही से। जिस जगह पे हमारे माँ बाप की इज्जत ना हो ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रोना तो बंद करो ना प्लीज। कॉल आ रही है तुम्हारी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। बाबा प्लीज, आप भी उस घर में से किसी से बात नहीं करेंगे, आप कोई पेशरफ नहीं करेंगे। ये बेटा बस समझ। आई खुला हुआ था। तुम रो रही थी शेरी भाई के लिए। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम एक स्ट्रांग लड़की हो? वेशा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए? तुम्हें पता है तुम इस वक्त एक छोटी सी बच्ची लग रही हो, बिल्कुल एक सफेद मोती की तरह। वैसे ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो इशू है ना मेरी किस्मत में। शेरी भाई तो घर के सामने है। सामने मेरा फोन दो। हेलो एलिजे, क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? क्या तमाशा है ये? सुनो, मुझसे कभी भी इस तरीके से किसी ने बात नहीं की। गलत किया। क्या सोच के आप मेरे दरवाजे पे आए हैं? नहीं, आप हमें मुफ्त के लोग समझते हैं जो जब चाहे आप आए और हम आपको एंटरटेन करें। ये शरीफों का महल है। अगर तो मेरे बाबा बाहर आए तो मैं भी बाहर आऊंगी, और अगर मैं बाहर आ गई तो होगी लड़ाई। लड़ाई क्यों होगी एलिजे? डोंट एक्ट ऑल इनोसेंट। सुनो, हमारी शादी होने वाली है यार। अब हमारे बीच में सिर्फ लड़ाई होगी और कुछ नहीं। अगर आप एक मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो देखिएगा होता क्या है।
बेटा किधर थे? रात को बहुत लेट आए हो। कहीं नहीं, तुम्हारी तो आज बोर्ड मीटिंग नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, नहीं कर रहा ना। जब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम भी मत करो मुझसे। उस लड़की के आने से पहले इस घर का ये माहौल हो गया कि हम हफ्ते में चार दिन लड़ते। She's toxic, Sherry. Dad, मैं इससे बात नहीं कर रहा, समझाए इसे। नहीं बात करनी मुझे इससे। नहीं, तुमने डैड से क्या बात करनी, मुझसे बात करो। शेरी, ये जो छोटे घरों में रहने वाले जरा जरा से लोग हैं ना, ये जरा जरा सी बातों पे लड़ते हैं। इनकी जिंदगी का मकसद ही ये है, इनके पास कोई और एंटरटेनमेंट ही नहीं है भाई। मैं तुम्हारी बहन हूं शेरी, हम एक हैं। और तुम मुझे ये बताओ, ये जो तुम मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो, तुम भी जानते हो ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को जिनको हम मुंह भी नहीं लगाते। देखो बेटा, तुमने गलत बात की है और अब तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, ऐसी कौन सी बात होगी इस घर में जो पहले नहीं हुई? बाबा सफदर चाचा जब आते थे इस घर में, आप ईद पे कह देते थे कि मैं घर पर नहीं हूं और आप उनको रेंट भिजवा देते थे। प्लीज, दे वर नेवर योर इक्वल। और मामा के फैमिली तो आपको कभी पसंद ही नहीं थी। वो जरा जरा सी बात पे बतंगड़ बनाते, टाइम वेस्ट होता था भाई। तो अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है, देयर इज नथिंग चेंज्ड। जो सीखे वही करेगी ना। तो आप भी ऐसे ही हैं शेरी, ये जो आपने नया नया ढोंग रचाया है ना बराबरी का, यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नो यू डोंट। और मेरा मुंह तो मत खोलो, तुम्हें हमेशा ऐसी टॉक्सिक लड़कियां पसंद आई। दिस इज हाउ मीडियोकर्स बिहेव। वो जहां खड़े हैं ना, वो वहीं खड़े के खड़े रह गए हैं। दे हैवंट मूव्ड, दे हैवंट चेंज्ड। बस करो तुम दोनों, नताशा इस मामले को रिजॉल्व करो। और क्या, बोले जा रही हो बस ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मैं नीचे को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी है इस घर की जरा भी परवाह ना, तो यू फिक्स दिस, बिकॉज़ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तरह उसके जाके कदमों में बैठ जाऊं? हाँ, ओवर माय डेड बॉडी शेरी। बेइज्जती करना जानती हो ना, तो बेइज्जती करवाना भी सीखो। क्या कहा है तुमने? उर्दू बोली है, नहीं समझ आई? इंग्लिश में बोलो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, समझ आई? बेटा, डैड मैं इसके साथ ही रह सकता। जाकर होश लो। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इस सिचुएशन में आप किताब पढ़ कैसे सकते हैं? लफ्ज तैर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वसंतानी के फोन आ रहे हैं बार बार, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। पता नहीं मेरी एलिजा की किस्मत में क्या लिखा है। आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही सख्त रद्द अमल देती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, ना किसी को कम समझती ना समझने देती है। लेकिन आखिर कब तक? शेरी से बात खत्म हो भी गई जिसका कि मुझे पूरा खदशा है, तो क्या दुनिया में इससे भी ज्यादा टेढ़े लोग हैं, तो आगे क्या होगा? और फिर बात भी फैल जाएगी। देखिए, मैंने आपा जान को बताया था कि हम लड़के वालों के घर जा रहे हैं, अब वो पूछ रही हैं उन्होंने पाकिस्तान आना है कि कब तक शादी का इरादा है। तो आपा जान की वजह से तुम फैसला नहीं करेंगे ना? आप समझाएं ना इन्हें। क्या समझाऊं, एक तरफ थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल पेश कर दो। तुम जानती हो हमने अपने बच्चों की इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की है। आप लोगों को पता है कि सैफ अंकल की बिल्ली ना हमारे घर में आके छुप गई थी, मेरी जान को आ गई थी, इतनी मुश्किल से गई है। मैं भी बिल्ली पाल लूं? आप पालेंगी कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा? वैसे भी मेरे पाँव में बहुत दर्द है आज। जब आप उदास होती है ना, आपको हर दर्द बहुत ज्यादा ही महसूस होता है। तो तुम चाहती हो मैं आदी हो जाऊँ इस दर्द की? नहीं भाई, ये कब कह रही हो? इनको सारा गुस्सा ना मुझ पे आता है। आपने डांटना है ना, तो उस नताशा को फोन करके डांटे, शायद आपकी डांट से वो कोई तमीज तहजीब सीख जाए, फिर आपके लिए हमें नहीं लड़ना पड़ेगा हर जगह पे। आपने अपनी बच्चियों को ना जंगजू बना दी है, और तुम बिल्कुल इस बात को हवा नहीं देना तुमने। अच्छा, शेरी के इतने मुझे फोन आ रहे हैं, मैं तो उठा ही नहीं रही। बहुत अच्छा कह रही है आप। उसने क्या किया है?
अब उनका भी कुछ करना रह गया है क्या? एनीवेज मैं ना कल से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आप भी चली जाए, दिल बहल जाएगा। मेरे पास तो कपड़े ही खत्म हो गए, मुझे ना नए कपड़े लेने, शॉपिंग पे चले। ना होश के नाखून लो, घर में इतनी परेशानी है। तुमने अरीजे को देखा? सारी रात सोई नहीं, सूजी हुई आंखों के साथ गई है। मुझे पता है मामा, मैं पूरी रात उसी के साथ थी। ये मंजर ना खुद ब खुद नहीं बदलते, इनको बदलना पड़ता है। मेरा तो पहले से ही दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बेटा मेरा दिल मुतमईन है और मैं माँ हूँ उसकी। आप जाओ बेटा, आप तैयारी करो, ये बातें हमारे लिए छोड़ो। लेकिन बाबा, अगर अलीजे कोई फैसला करना चाहती है तो उसे करने दीजिएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सही फैसले सही वक्त पे ना किए जाए ना, तो फिर वक्त फैसले करता है और वक्त के फैसले बहुत बेरहम होते हैं। ऐसे ही होगा बेटा, ध्यान तो। एक तो ये बच्चे जब अक्ले कुल बनने लगते हैं ना, तो बस। मैं वो पता है रमजा, दिल की सुनती है, अभी बच्ची है, सही तवक्को की जा सकती है। ये आपकी गाड़ी है? जी मेरी गाड़ी, आपको कोई तकलीफ? बिल्कुल तकलीफ है। आप दो दिन से मेरी असाइन जगह पे गाड़ी खड़ी करें, आपको इतनी तमीज नहीं है कि आप जाके सिक्योरिटी गार्ड को बता दें? देखिए आराम से बात करें, औरत से मैं वैसे आराम से बात कर। औरत का क्या मतलब? आप ओहदे की बात करें, और ओहदे में मैं आपसे बहुत ऊंची हूँ। आज ये टाई फ्लैट हुआ है ना, अगली दफा आपको फ्लैट कर दूंगी। सर ये मैडम बदतमीजी कर रही। बाप की जगह है क्या? हाँ? What are you doing? Let me handle this. No, you are not going to handle anything. It's my car, it's my problem, this is my place. I park the car here. अगली दफा ध्यान रखना। हदी हो गई आज। क्या हुआ लीजे, तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? जबकि बॉस ने तो आज तुम्हारा एग्जाम्पल बनाकर तुम्हारी इतनी तारीफ की है, तो तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए और हमें ट्रीट भी देनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, और इतनी खुशी की बात है, ऑब्वियसली हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मिल गया। बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे करोगी। आई मीन के तुम्हारी शादी भी, और वैसे शादी कब कर रही हो तुम? हो जाएगी, अभी बहुत काम है, प्रोजेक्ट्स हैं। चाय पियोगे? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही पिया। हम लोग चार साल से एक साथ हैं, राइट? तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी मुझसे हो। कैसा लगा हमारा घर, मेरा और तुम्हारा? ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा पैर। लेकिन हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बेकार साबित हुआ। इस जरा से अरसे में रीजे तुम्हें दो बार अपने दिल से हारी, दोनों बार बस एक ही बात साबित हुई कि तुम्हें मोहब्बत रास नहीं आती। खाएंगे प्यार भरे सपने निभाओ।